सब्सक्राइबर आप देख रहे हैं पीछे। कैसे ब्रो, हाउ आर यू? रेडी साउंड 17 एक्शन। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और अभी बजे सुबह के 10 और मैं नहाकर रेडी हो गया और चेकआउट का टाइम आ गया। और ये रहा हमारा सामान और ये रहा हमारा रूम। रूम को कहते हैं बाय बाय और अभी निकलते हैं। और आज प्लानिंग है कि जो प्लेस कल नहीं देख पाई वो आज देखना है। और फिर शाम को मैं निकल जाने वाला हूँ। मैं सिर्फ 2 दिन ही रुकने वाला था, मम्मी का फ़ोन आया था कि ज़्यादा मत रुकना, 2 दिन रुकना, फिर से तुम जाने हो, हम सब मिल के जाएगी। तो अभी मैं 2 दिन रुकने वाला हूँ। कल से आया था तो आज दूसरा दिन है। लास्ट में सांझ को रात को मैं निकल जाऊँगा घर के लिए। तो अभी पहले जाते ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे एक फेमस भजिया वाला में है, बहुत ही अच्छा, तो वहाँ पे जाते। कल नहीं मिला था दादा मुझे, वहाँ पर भजिया खाएंगे, समोसे जो मिलेगा नाश्ता करेंगे, फिर हम जाने वाला है यहाँ पे जो जो प्लेस रह गई वो। तो वीडियो देखिए। तो अभी ब्रेकफास्ट हो गया और बाद में मैं निकला। जो हम नागवा बीच जाते हैं उस साइड में एक यहाँ पे जो टेंपल बना हुआ, क्या नाम है उसका, कोटिया दादा का मंदिर है, वहाँ पे हम आए। और यहाँ पे एक पूरा डायनासोर वाला जो पुतला है और वहाँ पे जो सारी खेलने के लिए कूदने के लिए स्थल में चीज़ बनाई हुई है। तो यहाँ पे एक बीच भी है, अब देखो ये पूरा बीच है, यहाँ पे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे निकला था तो मैंने देखा तो बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ पे आया। अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ महादेव के मंदिर, जो आपने देखा होगा कि जो शिवलिंग पर पानी आता है और पानी जाता है, वहाँ पे जा रहा था। बीच में पानी ये आ गया तो मैं यहाँ पे आया। तो यहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय करते और देखते क्या क्या देखने के लिए। तो चलो गाइस अभी बीच पे जा रहे हैं, नहाने के लिए नहीं, देखने के लिए, क्योंकि ऑटो से रेडी होके आया और चेकआउट भी कर लिया। तो अभी वहाँ पर नहाऊंगा, तो नहाएंगे तो अभी वहाँ पे तो कपड़े कहाँ चेंज करके और सारी चीज़ का दिक्कत हो जाएगी। तो हम बीच पे जा रहे और फिर जा रहे मंदिर को। Bye bye, Tata, goodbye. तो मैं पानी में जा रहा हूँ, शूज यहाँ पे मैंने निकाल दिए। तो अभी मैं पानी में जा रहा हूँ गाइज, देखो इतने पैर तक पैंट चढ़ा दी, भीगूंगा नहीं, और बहुत ही ठंडा है। बड़ी अच्छी बात कही यार, ठंडा है। The dark gets lonely. Now I see violet. I can feel silence. And the dark's all that I see. Stars have burnt out, and your heart makes no sound. I'll find valid in your eyes. You'll always be my night sky. तो गाइस यहाँ से मैं निकल जा रहा था तो समुद्र से मैंने निकलता हुआ केकड़ा देखा। तो रुको जरा, सबर करो, बोला था यहाँ पे वो ठहर के रेस्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो ठहर के रिलैक्स कर रहा है। तो मैंने निकलता था तो मेरे आगे ही था, मैंने बोला कि तुम किसी जगह रुक जाओ तो हम दोनों साथ में एक सेल्फी खिंचवा लेते हैं और मैं तो तुम्हारा थोड़ा यूट्यूब में वीडियो भी बना लेता हूँ, क्योंकि तुम भी फेमस हो जाओगे। तो आप दीव में आते हो तो यहाँ पे पूरा बच्चों के लिए बहुत ही एन्जॉयदायक, एन्जॉय के लिए बनाए बीच ऊपर ये सारे नक्शे, बहुत ही अच्छे है, देखे पुतला सारा। तो हम यहाँ से डायनासोर है दो, वो भी देखने वाले हैं। मिल गए हमारे सब्सक्राइबर, आप देख रहे हैं पीछे, इसने मेरी चैनल सब्सक्राइब की थी, इसने मुझे कॉल किया था कि तुम दीव में आओ तो मुझे मिलने के लिए आना। हाय कैसे हो ब्रो, हाउ आर यू एंड कैसे हो, घूमने के जाते हो बाहर? हाँ जाता हूँ। देखो नहीं है लोग कहाँ से आते हैं, बात भी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है सब्सक्राइबर। तो इसने सब्सक्राइब कर दिया तो आप भी कर दो, कोई बात नहीं। तो अभी एक दो तीन सब्सक्राइबर थे आपने जो पहला देखा, वो ये दूसरा और हम तीसरे के पास जा रहे हैं अभी। और गाइस बीच पे तो बहुत ही एंजॉय किया। अभी यहाँ से निकलते हैं जल्दी, क्योंकि वहाँ पे पानी होगा, जो महादेव का टेंपल है वो भी बहुत ही अच्छा है, तो वहाँ पे हम जा रहे। तो एक दूसरा यहाँ पे डायनासोर है उसे भी मिल लेते हैं।
उसकी डॉग बहुत ही लंबी है आप देख सकते हैं। तो उसने ऐसे झुक के मैंने मुझे बताया, कैसे हो? अच्छा हो, ठीक है, ये भी अच्छा है। तो इसके बाद में हम मिलते हैं दूसरे वाले के। फिलहाल यहाँ पे एयरपोर्ट भी है और हेलीपैड, आप हेलीकॉप्टर की राइड भी कर सकते हो यहाँ पे, देख सकते हैं ये जो तमाल वाला हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे उपलब्ध है, यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे आइए तो हेलीकॉप्टर की राइड कीजिए और पूरे समुद्र के लिए घूमने के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पे ये पानी में आप बोट भी चला सकते हैं, देखिए कितनी बड़ी सी बोट है, ये 120 की स्पीड से चलती है बहुत ही, यहाँ पे देखिए पूरा समुद्र है, यहाँ पे पानी में भी चलती है। तो गाइस अभी मैं मंदिर जा रहा था, रास्ते में एक नोएडा गुफा है जो दीव का सिटी गेट है उसकी तरफ ही, आप देख सकते हैं पूरा। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे बहुत ही घूमने लायक है, यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। तो आपने मूवी देखा है, सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं अकेला और पूरी गुफा हम साथ साथ है। तो चलो गुफा में चलते हैं गाइस, चलो 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 बहुत ही, मैं बोल चलाने, तो मैं आपको यहाँ पर, यहाँ पे गुफा है, कुछ टेंपल है, पता नहीं क्या क्या है, पूरा जंगल जैसा है, मुझे कोई लेना चाहे। तो गाइस यहाँ पे गुफा है, बहुत ही अच्छा है। सिंहेश्वर महादेव में पहुंच गए, यहाँ पे पानी भी बहुत ही अच्छा है। तो ये मेरा लास्ट रहेगा बीच और यहाँ से मैं डायरेक्ट घर जाने वाला, अभी 3 बजे है, देखता हूँ खाने के लिए भी जाना है, लंच के लिए 3 बजे के बाद मिलेगा, तो खाना भी बाकी है, तो भूख भी लगी है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ब्रेकफास्ट 12 बजे किया था इसलिए इतनी भूख नहीं लगी। तो अभी यहाँ पे टेंपल देखते हैं, यहाँ पे पानी आता है जब शिवलिंग पे, तो ये समुद्र भर जाता है तब, तो वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे घूम के फिर एंजॉय करके फिर खाना खाने के लिए। अभी निकल गया हूँ और बॉर्डर आएगी दीव की और गुजरात की, तो बॉर्डर से होके मैं लंच ऊना में करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे नहीं करने वाला, यहाँ पे लेट हो गए, अभी बजे 4 और अभी निकल गया हूँ, तब तो 12 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा। तो अभी यहाँ से पहले निकल गया, मैं ऊना पहुँच गया हूँ और यहाँ पे गुजरात रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा गुजराती खाना मिला, तो यहाँ पे मैं रुका हूँ और यहाँ पे खाना खाने के बाद देखता हूँ, यहाँ पे साइड में तुलसी शाम भी है तो वहाँ जाऊँगा। तो वरना अभी बहुत लेट हो गया, क्योंकि 4:30 बज गए, अभी 4:30 बज गए, तो अभी क्या करना है, फिर खाना खाने के बाद में देखते हैं। Yeah.
मजा आया। हे गाइस, तो अभी बज गए रात के 8 और मैं तलाजा पहुंच गया हूँ। अब यहाँ से 60 किलोमीटर घर है दूर, तो अभी यहाँ से पहले मैं यहाँ पे दीप होटल है तो यहाँ पे डिनर करके जाने वाले, मम्मी को बोल दिया कि मेरे लिए मत बनाना, तो अभी मैं यहाँ पे डिनर कर लेता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। और बहुत ही देर हो गई और गाड़ी धीमे धीमे चला रहा था इसलिए, तो अभी पहले और मैंने कपड़े चेंज कर लिए और फ्रेश भी हो गया हूँ। और अभी बजे रात के 12 और बहुत ही थक गया हूँ ड्राइविंग करके। तो अभी ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर इन वॉचिंग। बाय गाइज।